हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के 9th चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। हम लोग सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आता है और ये थोड़ा एग्जाम आपके बुक से हट के है, यानी कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली हैंडल कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर, एन ऑर्गेनाइजेशन इज बिजी इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट फॉर इट्स फ्यूचर ऑपरेशन। द आइडिया इज टू क्रिएट सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ मनी विच शुड बी देयर इन रीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट राइट टाइम, है ना। एक कंपनी अपना ब्लूप्रिंट बना रहा है। अब देखो ब्लूप्रिंट वगैरह जहां पर आ जाए ना, ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है। तो विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन वगैरह, है ना। तो कह रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। तो आप इजीली कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा डिस्कस किया जा रहा है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच आर द फाइनेंशियल, सॉरी व्हाट आर द फाइनेंशियल प्लान्स मेड फॉर अ ईयर नोन एज। चलिए ये बहुत टेक्निकल, टेक्निकल नहीं, ये इजी है। आपको क्या कह रहा है, एक साल के लिए जो प्लान बनाते हैं, व्हाट आर द फाइनेंशियल प्लान्स मेड फॉर अ ईयर नोन एज। एक साल के लिए जो प्लान बनाते हैं फाइनेंशियल प्लान, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चों हम लोग बजट बोलते हैं, ठीक है। आपको याद होगा बजट प्रिपेयर होता है, बजट प्रिपेयर होता है और हर साल हमारे देश का भी हर साल बजट प्रिपेयर होता है ना, जो कि 1 फरवरी को अनाउंस किया जाता है। चलिए बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड अभिषेक, दीप्ति, आकृति, अनु, कृति, श्रुति, आदित्य, पवन, गुड है बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका थर्ड, व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, आप लोग जानते हो इसका, कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि भाई सबसे पहले तो व्हेनेवर रिक्वायर्ड इनफ अमाउंट ऑफ फंड, है ना, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट जो है, एक्विजिशन ऑफ फंड जो है ना, यानी कि एक्विजिशन ऑफ फंड सही तरीके से होना चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई आइडियल फंड नहीं रहना चाहिए, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं। आप पढ़े होगे, आपको याद होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपनी इज वॉज एक्सपेक्टिंग अ सेल इंक्रीज ऑफ 20% इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। पिछले साल के मुकाबले 20% का सेल इंक्रीज करना चाहती है कंपनी। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाउएवर ड्यू टू पुअर सपोर्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक सिचुएशन अराउंड द इंक्रीज ट्रेंड आउट टू बी ओनली 10%। पर इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं था, कंपनी जितना पैसा लगाना चाहिए था उतना पैसा नहीं लगा पाई और इस वजह से कंपनी का जो ग्रोथ है 20 की जगह मात्र 10% का ही हो पाया। चलो भाई, द कंपनी हाउएवर हैड प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर दिस सिचुएशन, इट न्यू हाउ टू चेंज इट्स एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल केस एंड सेल इंक्रीजेस गोज डाउन इन कंपेरिजन टू द एक्सपेक्टेशन, है ना। क्या कह रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज हाइलाइटेड इन द अबव केस। फिर से आपको वही पूछ रहा है, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था कि बताइए कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं आप। फिर कह रहा है एक और पॉइंट कि व्हाट शुड हैव द एक्शन टेकन बाय द कंपनी इफ द सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट, लाइक इंक्रीज इन द रेवेन्यू बाई 30%। डिफरेंट सिचुएशन क्या होता है, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है ना।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो भाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, यह है फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है। कंपनी क्या चाहती है, 20% से सेल इंक्रीज करना चाहती है ना, हाउएवर 10% से ही सेल इंक्रीज हुआ। फिर आपको क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि कंपनी इस केस में जानती है कि किस तरीके से अपने कॉस्ट को कट किया जा सकता है। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है what should have been action taken by the company if the situation had been different, like increase in revenue by 30%, है ना, 30% से revenue अगर increase हो जाता है तो क्या होता। तो obviously बात है, अगर 30% से revenue increase होगा तो company का cash flow increase हो जाएगा, company का cash inflow increase हो जाएगा, ठीक है, company के पास ज्यादा revenue आएगा तो कंपनी फर्दर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, कंपनी अगर चाहे तो उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में लगा सकती है, ठीक है। तो रेवेन्यू इंक्रीज होने का फायदा क्या है कि कंपनी अपने फ्यूचरिस्टिक होकर अपने बिजनेस एक्सपेंशन में उस रेवेन्यू को यूटिलाइज कर सकती है बेसिकली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो और आसान है आपका, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। In the following case, identify the type of financial decision. Also identify the factor affecting the decision. ठीक है? देखिए क्या कह रहा? A company has financial decision. Clear है? है ना? तीन तरीके का decision होता है ना? Investing, financial decision and dividend decision. A company has decided to issue equity, but it is concerned about the control management will lose. Control of management will lose. जाहिर सी बात है, इक्विटी शेयर इशू करोगे भाई तो नए शेयर होल्डर आएंगे, नए नए शेयर होल्डर अगर आते हैं तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर का जो कंट्रोल है, जो मान लीजिए 100 लोगों के बीच में था, तो और वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सो आफ्टर अ लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, खूब बहुत सोचा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक एंड डेट फ्रॉम द अदर सोर्स। तो कंपनी सोचा भाई क्या है कि अब इस तरीके से चलेगा तब तो फिर दिक्कत है, तो फिर कंपनी डिसाइड किया कि लोन ले लेना चाहिए। तो बताइए कौन सा फैक्टर को ये लोग ध्यान में रखे, फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोग पढ़े हैं कंट्रोल कंसिडरेशन पढ़े हैं। कंट्रोल कंसिडरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो कंट्रोल लूज करना चाहता है कि नहीं, मैनेजमेंट कंट्रोल लूज करना चाहता है कि नहीं, और अगर लूज करना चाहता है यानी कि वो नए शेयर होल्डर्स के साथ कोलेबरेट कर सकता है, नए शेयर होल्डर के साथ कंट्रोल को शेयर कर सकता है, तब तो ठीक है आप शेयर इशू करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर डेट फंड की ओर जाइए, लोन लीजिए और डेट फंड की ओर जाइए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, कीपिंग द कंसर्न ऑफ रेजिंग फंड अवेलेबल, अ कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर डिवेंचर, है ना, एज द फाइनल चॉइस। कंपनी बोला कि भाई पैसा चाहिए तो फाइनल डिवेंचर से ही, यानी अच्छा डिवेंचर क्या है, डेट फंड है, ठीक है, डेट फंड है ये। द पीपुल हु विल be purchasing the debenture would be assured a definite return after a definite period of time. और जो भी बंदा लेगा debenture उसको एक definite return मिलेगा, certain amount of interest मिलेगा after certain period. The company credibility is good, so they should not worry about the company. The company credibility is so good, so they should not worry about यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ऐसा करते हैं एक हाइलाइटर से जो हाईलाइट कर रहे हैं इसको डिफरेंट क्वेश्चन आप मानिए। A company issue equity share, but the expenses involved are quite lot, है ना, ये अलग है। द
ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी अवेयर अबाउट द प्रिंटिंग चार्ज एडवर्टीजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस अंडर राइटर कमीशन एंड द ब्रोकरेज आस्क्ड बाय द मिडिल मैन। ठीक है, तो देखिए जो अनहाइलाइटेड है, ठीक है, वो जो है आपका डेट फंड से रिलेटेड है। ओहो, है ना। और ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका इक्विटी फंड से रिलेटेड है, और दोनों में खास बात क्या है ना, कॉस्ट की बात कर रहा है। देखिए आप, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग चार्जेस है, एडवर्टीजमेंट है, अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को प्रिंटिंग चार्जेस बियर करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट बियर करना पड़ता है, ठीक है ना, अंडर राइटर का कमीशन बियर करना पड़ता है, ब्रोकरेज का कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड बात हो रही है, फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड बात हो रही है, और कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट कॉस्ट, है ना, क्योंकि आप शेयर भी इश्यू करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारा कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर कॉस्ट की ही बात हो रही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें, कीपिंग द कंसर्न ऑफ द रेजिंग फंड, अ कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर डिवेंचर, डिवेंचर की ओर गया, और कंपनी फिक्स्ड पीरियड टाइम के लिए, है ना, डेफिनेट रिटर्न देने की बात कर रहा है। तो यहां पर भी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो ये भी किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, एक है डिवेंचर से रिलेटेड यानी कि डेट फंड से रिलेटेड, और एक है ओनर्स फंड से रिलेटेड, और दोनों में किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है। डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि आपके लिए कॉस्ट होता है, और शेयर इश्यू जब करते हैं तो आपके लिए एक्सपेंसेस होता है, एडवर्टीजमेंट का, ब्रोकर का, अंडरराइटर कमीशन का, प्रिंटिंग का। ठीक है, तो दोनों में क्या किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट था तो उसको हम जितना हो सका सरल सब में करने का कोशिश किए। नेक्स्ट कह रहा है, धीरज प्लांट्स, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन साउथ अमेरिका। वाह वाह, क्या बात। द कंपनी नोज दैट द प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल वेंचर इन द ईयर टू कम, इट ट्राइज टू फिगर आउट the revenue generated by the project and the expenses which will be involved in it, है ना। तो कंपनी ये कोशिश कर रहा है कि भाई सबसे पहले तो it tries to figure out the revenue generated by the project, कंपनी कितना पैसा generate करेगी, and the expenses will be involved in it, और expenses कितना involved होगा। देखिए अब आप सोचोगे कि सर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, एक नया अपना प्लांट स्टार्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साउथ अमेरिका में, तो कंपनी पहले से कैसे रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा एस्टिमेट कर लेगी, या फिर कितना एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होगा। तो बाबू ये सब बिजनेसमैन पहले से प्लान करके चलता है। अभी रिसेंटली इंडिया में एक कंपनी है फोर्ब्स, ठीक है ना, एप्पल का ज्यादातर पार्ट्स फोर्ब्स एक कंपनी है, टेक कंपनी है, वो प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद अभी सैमसंग अपना फोर्ब्स अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट करने वाला है ना, ऑलमोस्ट 25% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां से हटा चुका है जितना चाइना में था, और उसको इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, फिर सैमसंग भी अपना प्लांट सेटअप करने वाला है। अब हर कंपनी एक एस्टिमेशन लगाई है, सैमसंग जो है आने वाले 4 सालों में 3,70,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का बात कर रहा है 4 से 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं कंपनी जब प्रोजेक्ट बनाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, तो देखेगा इंडिया का मार्केट कैसा है, इंडिया में क्या पोटेंशियल है ग्रोथ का, यंगस्टर्स ज्यादा हैं, सेल ज्यादा होगा। अभी सैमसंग की बात करें तो 24% मार्केट शेयर है इसका इंडिया में, 24% मोबाइल इंडिया में सैमसंग का बिकता है, इसका मार्केट कैप्चर 24% है। तो सैमसंग जब इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करेगा तो जाहिर सी बात है वो आने वाले समय में अगर हम 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 500 करोड़ से कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो सब एस्टिमेट करता है। तो फिर ये बताइए यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन में कौन सा कॉस्ट। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या बोल रहा है,
प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, ठीक है। धीरज प्लांट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थिंक्स ऑफ स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट इन साउथ अमेरिका। द कंपनी नोज द प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल वेंचर, कंपनी को पता है, मगर फिर भी वो ट्राई कर रहा है फिगर आउट रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेंसेस विच विल बी इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट जो है क्या कह रहा है, धीरज जो है एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न न्यू प्लांट सेटअप करना चाहता है तो ये कौन सा डिसीजन हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हो गया, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़े। तो आप यहां पर देखिए, कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट द रेवेन्यू जनरेशन, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेंसेस विच विल बी इन्वॉल्व इन इट। बात समझे, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितना एक्सपेंसेस होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है भाई, अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहा है, एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि किसकी बात कर रहा है, कैश फ्लो पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक है, बात समझिए, यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन क्यों हो रहा है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट की बात हो रहा है। कैसे, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितना एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, ये हम लोग चर्चा कहाँ करते हैं, कैश फ्लो पोजीशन में ही करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की बात कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है साउथ अमेरिका में। और फैक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहा है और एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट कितना होगा, यानी कि कैश का इनफ्लो कितना होगा, तो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो फैक्टर में क्या आ जाएगा, कैश फ्लो हो जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सूर्यस ट्राइज टू इवेल्युएट टू प्रोजेक्ट। सूर्यस दो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहा, कंपेयर कर रहा, द प्रोजेक्ट हैव इक्वल लेवल ऑफ रिस्क, दोनों में रिस्क जो है वो बराबर है, तो रिस्क कंसिडरेशन तो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों में अगर रिस्क बराबर है तो रिस्क वाला फैक्टर तो इग्नोर करेंगे फिर। अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर ही फाइंड बोथ प्रोजेक्ट एट पार। और पैरामीटर यानी पैरामीटर क्या होता है, बहुत सारे स्टैंडर्ड पे इसको दोनों प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया गया होगा और दोनों को पार पे पाया गया, यानी पार कहने का मतलब दोनों को बराबर देखा गया कि भाई प्रोजेक्ट ए भी उतना ही कैपेबल है जितना प्रोजेक्ट बी कैपेबल है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस जो होगा, कैश फ्लो पोजीशन जो होगा, वो सब मोर और लेस दोनों में बराबर है, यानी कि रिस्क भी बराबर है, पार है, और अदर फैक्टर्स भी देख रहे हैं तो बराबर है। हाउएवर व्हेन ही सर्चेस होगा पता नहीं क्या, ऑफ टू नोइंग द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो ए विल यील्ड अ रेट, है ना, ए विल यील्ड अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन 10%। कंपनी ए जो है 10% का रिटर्न देगा, चलो ठीक है भाई, प्रोजेक्ट ए सॉरी, एंड द प्रोजेक्ट बी विल यील्ड अ रिटर्न ऑफ 12%। अब देखिए, सारे पैरामीटर पे ए और बी बराबर खरा उतर रहा है, मगर रिटर्न की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, तो कंपनी बी जो है वो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। सो ही डिसाइडेड टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट बी। तो बताइए कौन सा डिसीजन है ये, तो ऑब्वियस ही बात है ये कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है, यहां पर भी क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग कौन से फैक्ट कॉस्ट की बात करें, कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी पॉइंट सही था, यानी कि आपको यहाँ पर चूंकि फाइनेंशियल डिसीजन दिया है ना, चूंकि यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन दिया है, तो इसमें तो तीनों आ जाएगा आपका, तो कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है सोबित वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ मूवी हॉल सो ही डिसाइडेड टू इवेल्युएट द फिजिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट ही फाइंड्स दैट एट अ प्लेस एट प्लेस ए मूवी हॉल विल कॉस्ट 20 करोड़ एंड एट प्लेस बी इट विल कॉस्ट 30 करोड़ है ना। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, लोकेशन जैसा रहेगा बहुत पॉपुलर एरिया रहेगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। सो ही डिसाइडेड टू गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन प्रोजेक्ट ए। तो बताइए कौन सा फैक्टर है और कौन सा डिसीजन है। तो जाहिर सी बात है मूवी थिएटर बनाने की बात कर रहा है तो ये तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है ना। ये कौन सा डिसीजन हो गया, इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी क्या करना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है कहीं। अब कंपनी 20 करोड़ वाला ऑप्शन को सेलेक्ट की, 30 करोड़ को इग्नोर किया, क्यों बताइए। अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो डिसीजन तो इन्वेस्टमेंट की हो रही है, नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मगर कंपनी 20 करोड़ को ऑप्ट किया, 30 करोड़ को ऑप्ट नहीं किया और कोई भी आपको क्लू नहीं दे रहा है यहाँ पे, ना कॉस्ट का बात कर रहा है, ना रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है, ना अदर पैरामीटर्स की बात कर रहा है। तो सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, है ना, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है यहाँ पर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, फंड इसके पास इतना ही होगा इसलिए ये इतना अमाउंट ऑफ फंड को एक्युमुलेट कर रहा है और इस फंड को इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। तो सिंपली है इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, रमित इज यूजिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एज द इंडिकेटर ऑफ द इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ हिज कंपनी, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये अपनी कंपनी का कैलकुलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पता करना चाहता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट पेमेंट करने का कैपेसिटी कैसा है। तो आपको पता होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। हाउएवर वन ऑफ हिज ओल्ड स्कूल डे फ्रेंड सोबित टेल्स हिम टू यूज DSCR डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो एज द इंडिकेटर टू जज इट। मगर वो बोला कि भाई देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ठीक है आप यूज कर रहे हो, मगर उससे ज्यादा बेटर रहेगा कि आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो से आप अपना इंटरेस्ट का बर्डन या फिर इंटरेस्ट का जो कमिटमेंट है उसको आप फाइंड आउट करिए। डू यू एग्री विथ हिज फ्रेंड, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो हाँ, यस यू शुड बी एग्री फॉर दैट, क्योंकि डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम लोग प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दे रहे हैं ये भी कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है आपका, फिर उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नैरो कॉन्सेप्ट है और डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। तो जब आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो की को ऑप्ट करते हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट मैनर में आपको सटीक डिसीजन देता। तो सिंपल सा बात है, ये आपको इस तरीके से आंसर फ्रेम करके आपको जवाब देना है। ये भी पॉइंट अभिषेक सही बोल रहा है, क्योंकि सर टोटल कमिटमेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो में, इंटरेस्ट तो रहता ही है, ठीक है, उसके बाद आपका प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं वो भी इंक्लूडेड रहता है, यानी कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट आपका रहता है वो सारा इंक्लूड करके हम लोग अपने अर्निंग EBIT से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की हम लोग देखते हैं, मगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो में सारा फाइनेंशियल कमिटमेंट को कंपेयर करते हैं। तो ज्यादा बेटर इंडिकेटर क्या है आपका, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग केस
फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल. चॉइस ऑफ कैपिटल कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, कैपिटल कहां से पैसा आएगा, ठीक है. राजन हैज एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव. राजन को पास ऑप्शन है कि भाई अपने बिजनेस के लिए वो अपने रिलेटिव से लोन ले सकता है. दीज पीपुल हैव एश्योर्ड हिम टू गिव लोन एट लोएस्ट रेट. So he decided to use debt as source of finance of his project. तो ये बोला कि भाई क्यों ना हम debt fund ही opt करें, क्योंकि low rate of interest भी है, अपने लोग हैं तो तुरंत मिल भी जाएगा, किसी भी तरीके का lengthy process नहीं होगा. Now he go to different relatives and friend to see if he can get a cheaper source of debt with even lower rate of interest. तो ये अपने friends and family को search कर रहा है कि कौन इसको सस्ता loan दे सकता है. तो बताइए कौन सा factor की बात कर रहा है, है ना. तो आपको पता है जब भी आप कोई भी fund accumulate करते हैं, जैसे वो debt fund हो या equity fund हो, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि cost कितना लग रहा है ना. अगर equity fund है या फिर debt fund है तो आप वहां पर देखेंगे कि कॉस्ट कितना लग रहा है. अगर इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, शेयर इशू करने में बहुत एक्सपेंस हो रहा है, प्रिंटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है अगर, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है, अगर शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है तो फिर डेट फंड की ओर जाएंगे. तो यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर खोज रहा है, यानी कि कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है. तो यहां पर कौन सा फैक्टर की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट की बात करेंगे, ठीक है. चलिए वेरी गुड. सेकंड, प्रेरक आयरन लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर फर्दर इट्स प्रोजेक्ट. रेज फाइनेंस टू फर्दर इट्स प्रोजेक्ट ओवरसीज. फॉर दिस The company is overviewing the other companies raising of finance. ठीक है? Their debt equity ratio are being thoroughly studied by the financial expert of the company. बताइए क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं. For this, the company is observing the other companies raising of finance. अपने अदर कंपनीज यानी कि कॉम्पिटिटर्स को कैसे कॉम्पिटिटर किस तरीके से डेट और इक्विटी में कॉम्बिनेशन बनाता है, ये वो सर्च कर रहा है, रेशियो सर्च कर रहा है. आर बीइंग थॉरली स्टडीड बाय द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑफ द कंपनी. तो क्या होगा, है ना, आपको याद होगा हम लास्ट में एक पॉइंट था, बताए थे कि अपने कॉम्पिटिटर के भी कभी कभी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्या रेशियो फॉलो कर रहा है ना, उसके कैपिटल में डेट कितना है और इक्विटी कितना है. तो चूंकि यहाँ पर अदर कंपनीज की बात कर रहा है, तो बेसिकली आप कह सकते हो आराम से कि ये जो है कौन से फैक्टर की बात कर रहा है, कॉम्पिटिटर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ना. तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनी या फिर कॉम्पिटिटर्स का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये आपका फैक्टर है. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अ कंपनी इज ट्राइंग टू रेज फंड आफ्टर कंसल्टिंग द एक्सपर्ट. एक्सपर्ट से मिलने के बाद फंड रेज करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है एक्सपर्ट से मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो इवैल्यूएट करेगा वो. द ओनर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द बैंक विथ विच कैन ग्रांट लोन अंडर नॉर्म्स. अंडर नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लोन दे देगा. He will assure that all the norms are followed by the company. और company जो भी loan देगी, जो भी financial company loan देगी, भाई वो कुछ terms and condition के साथ loan देगी और वो terms and condition उस संस्था को follow करना पड़ेगा. He has also decided to gain knowledge about the SEBI guidelines related to the public issue. और ये भी कह रहा है आपको कि कंपनी का जो ओनर है वो सेबी के गाइडलाइंस को भी
समझना चाहता है उस फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कि भाई डिवेंचर और शेयर इशू करने में क्या है ना रेगुलेटरी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो लोन के लिए क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और क्या मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम शेयर इशू करते हैं या फिर डिवेंचर इशू करते हैं तो मुझे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो तो डेट में क्या रूल्स होता है, इक्विटी में क्या रूल्स होता है, दोनों की बात कर रहा है, यानी कि रेगुलेटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कर रहा है ना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम आपको बताए थे कि रूल्स एंड रेगुलेशन की चर्चा होती है कि भाई लोन इशू करना है तो क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, कितना कोलेटरल रखना पड़ेगा, क्या पेपर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर आपको शेयर इशू करना है या फिर डिवेंचर इशू करना है तो फिर क्या इशू कर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट है आज, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट। आज के डेट में जो हैपनिंग चल रहा है उसके बारे में कंसर्न्ड है, कहने का मतलब स्टॉक मार्केट का क्या कंडीशन है उसके बारे में कंसर्न्ड है। दे ऑलवेज वॉन्ट टू नो वेदर द कंडीशन इन द स्टॉक मार्केट आर बुलिश और बेयरिश। मार्केट का कंडीशन बुलिश है कि बेयरिश है, मतलब बूम पीरियड पे है कि रिसेशन पीरियड में है, सो दैट दे मे नो द फिजिबल टाइम टू ग्रो मनी बाय इशू ऑफ शेयर, ताकि उसको समझ में आ जाए कि क्या सही समय है शेयर इशू करने का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अभी मार्केट का सिचुएशन कैसा है। अगर लोगों का बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, बहुत लोगों को किसी भी तरीके का लॉसेस नहीं हो रहा है तो वो किसी भी नए शेयर में इजीली इन्वेस्ट कर देंगे, पर अगर लॉसेस का चांसेस बहुत बढ़ रहा है, लॉसेस का चांसेस है या फिर लोगों को लॉस हो रहा है तो फिर उस केस में शेयर इस कंपनी का नहीं बिकेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कौन से फैक्टर की बात कर रहा है, स्टॉक मार्केट का कंडीशन कैसा है उसकी फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है,